हेलो दोस्तों, रीडर्स बुक सब में आपका फिर से स्वागत है। हमारी आज की वीडियो बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ, जीवन जीने के 12 नियम, जिसे लिखा है जॉर्डन पीटरसन ने। देखिए, जीवन कंफ्यूज करने वाला हो सकता है और धरती पर हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम ये पता लगाने में बर्बाद हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और हम सही डिसीजन कैसे ले सकते हैं। हालांकि जॉर्डन पीटरसन को उम्मीद है कि हम अपने पास्ट के सवालों और गलतियों से सीख सकते हैं और 12 सरल नियमों के माध्यम से जीवन को जी सकते हैं। ऐसे नियम जो हमारे लाइफ से ये शायद हटा सकते हैं और हमें खुश और बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। इस पूरी वीडियो में हम इन 12 नियमों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सभी 12 रूल्स को थोड़ा और सोचते हैं कि उन्हें लाइफ में कहाँ कहाँ और किस तरह से अप्लाई करना है। आखिर एक खुश और ऑर्गेनाइज्ड लाइफ किसे नहीं चाहिए, है ना। सबसे पहले बात करते हैं पहले रूल्स की, जो बात करता है आपके पॉस्चर के बारे में और हमसे कहता है कि हमें अपने पॉस्चर पर ध्यान देना चाहिए। झुका हुआ और थका हुआ पॉस्चर छोड़ देना चाहिए। आपके मन में जो है उसे खुलकर कहना चाहिए। हमें हमेशा अपनी इच्छाओं को इस तरह प्रकट करना चाहिए जैसा कि वो हमारा राइट हो, एटलीस्ट दूसरों के सामने। हमेशा तनकर चलें और अपने आसपास की चीज़ों को एब्जॉर्व करते रहें। आपकी नज़र सीधे एम पर होनी चाहिए। अपने आप को फियरलेस बनाने के लिए हर डेयर करते रहें और हमेशा अपने आप को एक कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करें, जैसे कि आप दुनिया की हर मुसीबत और परेशानी को झेलने के लिए और उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। दूसरा रूल हमसे कहता है कि हम अपने पालतू जानवरों का बहुत ख्याल रखते हैं और जब वो बीमार हों तब हम उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं रखते, लेकिन जब बात हमारी खुद की आती है तो हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये गलत है। हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि खुद को भी प्रायोरिटी दें और अपना खुद का ख्याल रखें। और अगर हम वाकई में ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद की रिस्पेक्ट करें। अगर हम दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम अपना भी वैसे ख्याल रखें जैसा कि हम दूसरों का रखते हैं। आफ्टर ऑल चैरिटी बिगन दैट होम। तीसरे रूल्स में हम बात करते हैं कि हमें अपनी संगत कैसी रखनी चाहिए। हमें ये याद रखना होगा कि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसे लोगों से हम घिरे रहते हैं। अगर हमारी कंपनी गलत है या ख़राब है तो हम भी खराब व्यक्तित्व के इंसान बन जाएंगे। हमें लाइफ में ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो कि हमारी तरक्की में हमारा साथ दें और हमें आगे बढ़ता देखकर खुश हों, ना कि ऐसे लोग हों जो कि खुद आगे बढ़े और हमें पीछे खींचने का मौका ढूंढते रहें, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आपके शुभ चिंतक नहीं हो सकते। चौथा रूल्स हमें बताता है कि इस दुनिया में हर टाइम कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा होगा जो हमसे शायद किसी न किसी चीज़ में बेटर होगा, चाहे वो लुक्स हो या करियर हो या पैसा हो या रिलेशनशिप हो। और जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं तो आगे लाइफ में कितना ही कुछ क्यों ना अचीव कर लिया हो पर आप हमेशा खुद को उनसे कम या इन्फेरियर ही समझते हैं। आपको इसके बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपकी सराउंडिंग कैसी है। आप कल जिस जगह पर थे अभी भी वहीं पर हैं या उससे कुछ अलग है या कहीं ऊपर। आपको ये नहीं सोचना है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। आपसे ही आपका सबसे बड़ा कंपटीशन है। और अगर आप अपने बीते हुए कल से आज बेहतर पोजीशन पे हैं तो इसका मतलब है कि आप तरक्की के राह पर हैं। पांचवा रूल बात करता है हमारे पेरेंटिंग स्किल्स की। वो कहता है कि बच्चे सोशल कल्चरल स्किल के साथ पैदा नहीं होते, हमें उन्हें सिखानी पड़ती है कि आखिर ये दुनिया कैसे काम करती है या फिर उन्हें इस दुनिया में जगह कैसे बनानी है अपनी। अगर माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ बाउंड्रीज सेट नहीं करते हैं तो उनके बच्चे आगे चलकर कहीं खो ना जाए, कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे कि उनके माता पिता को दुख पहुँचे। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को समाज के नियम समझाएं। छठा रूल हमें समाज और हमारा आईना दिखाता है और हमसे कहता है कि दूसरों में दोष ढूंढने से पहले ये ज़रूरी है कि हम अपनी गलतियों को दूर करें। ये कहता है कि लाइफ में सेटबैक और सफरिंग कोई भी नहीं टाल सकता। कुछ लोग इन सफरिंग को इग्नोर कर देते हैं या उनके प्रति ये गुस्सा दिखाते हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, पर ऐसे लोग भी हैं जो इन तरीकों के सिचुएशन में खुद को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करते हैं। वो अपने पास्ट को मान लेते हैं और उसे ठीक करने या एटलीस्ट अपने प्रेजेंट को सुधारने की ओर और उसे पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, और वही लोग सफल होते हैं।
रूल नंबर 7 हमें बताता है कि आखिर लाइफ में हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। ये रूल कहता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को या दुखों को एक बहाना या ढाल बनाकर एक कैरस लाइफ जी सकते हैं, या हर बार ये रटते रहना, या फिर हम कुछ ऐसा मीनिंगफुल कर सकते हैं जैसे कि हमारा ये दुख कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अब लाइफ में मोमेंट्री खुशियों के पीछे भागने में उसके साथ फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम्स और परेशानियों को निगलेक्ट ना करें। आखिर लंबी रेस का घोड़ा वही होता है जो आगे की सोचकर चलता है। रूल नंबर 8 ये कहता है कि हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं खुद से या दूसरों से झूठ बोलते हैं, लेकिन हम ये झूठ क्यों बोलते हैं? हमें समझना होगा कि यदि हमारी लाइफ वैसी नहीं है जैसी हमें चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी एक झूठ की दुनिया बनाकर जीने लगे। इससे बेहतर है कि हम सच बोलें। अगर आप खुद को कमज़ोर, डिस्परेट या कन्फ्यूज स्टेज में पा रहे हैं तो सच बोलने की कोशिश करें, दूसरों से भी और खुद से भी। पर अगर सच नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ तो मत बोलिए। रूल नंबर 9 हमें सिखाता है कि हम अपनी वाहवाही में ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में हमें सब कुछ नहीं पता होता। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जिस भी इंसान से हम मिलते हैं उसे किसी न किसी विषय में हमसे ज़्यादा जानकारी होती है। इसलिए ज़रूरी ये है जब आप कहीं हो तो सिर्फ बोलें नहीं बल्कि दूसरों को सुने, क्योंकि तभी आप ज़िंदगी में सही नॉलेज ले पाएंगे। रूल नंबर 10 हमसे कहता है कि हम अक्सर अपने प्रॉब्लम्स को डीपली एनालिसिस नहीं करते इस होप में कि वो अपने आप ही एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करने में हम भूल जाते हैं कि उसके ख़त्म होने तक हम कितने सारे डांस और अनसर्टेन डेज से घिरे रहेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे फेल होने का कारण होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी बात कहें और स्पष्ट रूप से कहें ताकि दूसरे उसे क्लियरली उसे समझ सकें और सॉल्यूशन ढूंढने में आपकी मदद कर सकें। रूल नंबर 11 बात करता है कि सोसाइटी में एक हायरार्की सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसका होना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान का, उसकी हर रेस का अपना एक नेचर होता है जिसका होना पूरी तरह से सही है। इसलिए हमें उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को वैसे बढ़ने देना चाहिए जैसा कि उनका नेचर है, यानी लड़कों को लड़कों की तरह और लड़कियों को लड़कियों की तरह। आखिरी यानी ब्राह्मा रूल्स कहता है कि लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी क्योंकि ये प्रॉब्लम से भरी हुई हैं, लेकिन हमें इनसे घबराना नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर ना करें। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हम उन छोटी छोटी खुशियों को ढूंढें और उनके लिए ग्रेटफुल रहें। और अगर हम इन सभी 12 नियमों को अपनी लाइफ में धीरे धीरे अपना लेते हैं तो हम देखेंगे कि बहुत सारी अननेसेसरी टेंशन और प्रॉब्लम से खुद को दूर रख पाएंगे। तो ये थी जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स ऑफ लाइफ की आइडिया बुक समरी। मुझे मालूम है कि इस आइडिया बुक समरी से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगली बार मिलते हैं किसी और आइडिया बुक समरी के साथ। तब तक आप सुनते रहें रीडर्स बुक्स आपके साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत